Hello students, in this session we are going to start with exercise 13.2, question number first. A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere. We have a solid जिसका शेप कैसा है, कॉन हेमिस्फीयर के ऊपर लगा हुआ है. दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है और कॉन का हाइट रेडियस जितना ही है, यानी कि कॉन का हाइट भी 1 सेंटीमीटर है. हमें इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है पाई के टर्म्स में, मतलब पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है. गॉट इट? सो लेट्स फाइंड आउट. सो एज पर द क्वेश्चन द फिगर विल लुक लाइक दिस. कॉन का हाइट 1 सेंटीमीटर, रेडियस भी 1 सेंटीमीटर. हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है पाई के टर्म्स में. सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दो शेप को मिलके बना है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन. गॉट इट? अब हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, और कॉन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच. यहां से हम लोग डिनोमिनेटर में से 3 और पाई आर स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं. सो 1/3 कॉमन, पाई आर स्क्वेयर कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 2 × r प्लस h. ठीक है, अब जो वैल्यूज अवेलेबल है उसको पुट कर दो. 1/3 पाई, r की जगह पे पुट करना है 1, ब्रैकेट में 2 × 1, h की जगह पे भी 1. सॉल्विंग इट फर्दर वी हैव 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब उसकी जरूरत नहीं है लिखने की. अब 2 × 1 = 2 प्लस 1 दैट इज 3. ये 3 और 3 कट कर दो, योर आंसर विल बी पाई सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर?